बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करल एंड ईच को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उस टाइम जो इवेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनको उनको हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ ईच और उस टाइम पीरियड जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे या उस टाइम के जो प्रोज राइटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कॉमनवेल्थ एज। कॉमनवेल्थ एज आल्सो नोन एज द प्यूरिटन इंटरग्नम लिटरली मींस बिटवीन रेन्स, के जो बादशाहत थी चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकंड के दरम्यान का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? प्यूरिटन इंटरग्नम कहा जाता है बिटवीन रेन्स, यानी कि इसका जो लिटरली मीनिंग है। एंड एज ऑफन क्लासिफाइड एज द लास्ट ऑफ फाइव लिटरेरी इराज विद इन द रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड द कॉमनवेल्थ एज बिगिन विद द बिहेडिंग ऑफ क्वीन चार्ल्स फर्स्ट इन 1649 एंड एंडेड विद द रेस्टोरेशन ऑफ द स्टुअर्ट मोनार्की बाय द कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड इन 1660। के कॉमनवेल्थ एज तब स्टार्ट हुई जब जो किंग चार्ल्स फर्स्ट हैं उनको क्या किया गया? बिहेड किया गया 1649 में, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द इंटरग्नम इंग्लैंड वाज रूल्ड बाय अ प्यूरिटन डोमिनेटेड पार्लियामेंट लेड फर्स्ट बाय ओलिवर क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर 1653 to 58। उसके बाद के आए जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उन्होंने लीड किया 1653 to 1658। अब जब 1658 में ओलिवर जो क्रॉमवेल है उनकी डेथ हो गई एंड देन ब्रीफली बाय हिज सन रिचर्ड क्रॉमवेल, उसके बाद उनके बेटे आए रिचर्ड क्रॉमवेल 1658 to 59, उन्होंने हुकूमत संभाल ली। अब जो अवाम थी वो उन्हें खास पसंद नहीं कर रही थी जो प्यूरिटन्स थे। हालांकि जो प्यूरिटन्स थे वो पहले थे जो कि डेमोक्रेसी लाए, उससे पहले क्या था? बादशाही सिस्टम था। लेकिन जो प्यूरिटन्स थे वो पहले थे जो कि क्या लाए? डेमोक्रेसी लाए। लेकिन चूंकि ये रिजिड थे और स्ट्रिक्ट थे और ये क्या चाहते थे कि उनके जो रूल्स हैं उन तमाम रूल्स को क्या किया जाए? फॉलो किया जाए। तो इस वजह से जो अवाम थे वो उन्हें अब इतना खास पसंद नहीं कर रहे थे। और सेकंड जो पॉइंट था वो क्या था कि जो अवाम थे वो उन्होंने कहा कि ये वही जो बादशाही सिस्टम है वही रिपीट हो रहा है कि बाप के मरने के बाद जो है जो हुकूमत है वो किसने संभाली? बेटे ने संभाली। जिस तरह के बादशाहत में होता था कि बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा जो है वो हुकूमत में आ जाता था, तो इसी तरह जो ओलिवर क्रॉमवेल है उसके मरने के बाद तो उसके जगह किसने संभाले? रिचर्ड जो क्रॉमवेल है उन्होंने संभाली। तो इस वजह से जो आ चाहती थी वो क्या चाहती थी कि जो चार्ल्स सेकेंड है उनको दोबारा से जो है हुकूमत में लाया जाए। जो चार्ल्स सेकेंड है ये क्या हुआ, ये फ्रांस चले गए थे जब इनके जो फादर हैं इनको बिहेड किया गया चार्ल्स फर्स्ट को, तो ये भाग के चले गए थे फ्रांस। तो जो अवाम है वो क्या चाहते थे कि जो चार्ल्स सेकेंड है उनको दोबारा से बुलाया जाए और दोबारा से वही जो बादशाही सिस्टम है वो कायम किया जाए। और वो जो है इसको पसंद, जो प्यूरिटन्स हैं इनको खास पसंद नहीं करते थे। और इस चीज़ को किसने स्कारलेट लेटर जो है इसमें क्रिटिसाइज किया? किसने? हॉथरॉन ने। जो प्यूरिटन्स थे उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। हॉथरॉन क्या कहते हैं कि हॉथरॉन सेड प्यूरिटन्स वर रेनिगेज एंड हाउ दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट हेस्टर प्रिंट बिकॉज हेस्टर प्रिंट डिड द सेम थिंग दैट द प्यूरिटन्स डिड, कि जिस तरह से जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था उन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, तो इसी तरह से जो जो हेस्टर प्रिंट थी उन्होंने इसको जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया, हालांकि जबकि उसको बुरी तरह से सजा दी, हालांकि उसने भी जो एक सिस्टम चला आ रहा था उसने उसके खिलाफ काम किया। तो इस वजह से उसने क्या क्या है जो हॉथरॉन है उन्होंने प्यूरिटन्स को और उनकी रिजिडिटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद इस टाइम के जो प्रोज राइटर्स है नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स उनमें है क्या है, एक है सर थॉमस ब्राउन है, उसके बाद है जेरेमी टेलर है, उसके बाद है आइजक वाल्टन है। ये थ्री क्या है? नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स है। उसके बाद आ जाते हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उनमें है एक वॉन है, उसके बाद है कॉली है, उसके बाद है वॉलर है, उसके बाद है मार्वल, ठीक है। जो चार हैं इस टाइम के जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वॉन है, कॉली है, उसके बाद है वॉलर है, उसके बाद है मार्वल है। उसके बाद देखिए मिल्टन वॉज इन्वॉल्व इन राइटिंग पोलिटिकल पम्फलेट्स, कि इस टाइम के जो मिल्टन है उन्होंने उनके ज्यादा को और कोई वर्क्स नहीं है, जस्ट उन्होंने क्या लिखा
पंफलेट्स हैं वो लिखे। उसके बाद आ जाता है थॉमस हॉब्स पब्लिश्ड हिज पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी लिवियंथन इन पेरिस इन 1651 के जो थॉमस हॉब्स हैं उन्होंने अपना वर्क लिखा पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल स्टडी लिवियंथन इन पेरिस इन 1651 में। और अब जो लिवियंथन इसका क्या मीनिंग है, आई थिंक दैट इज वेरी लार्ज और पावरफुल एंड स्पेशली एन ऑर्गेनाइजेशन और व्हीकल। और इसका जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, लिवियंथन इज अ सर्पेंट एंड अ सिंबल ऑफ इसराइल्स एनिमीज हु विल बी स्लेन बाय गॉड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप काइंडली उसे भी फॉलो करें। और इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें तमाम जो एजेस हैं उनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन तमाम को सीक्वेंस के साथ डिस्कस किया गया है, तो आप काइंडली उसे भी चेक कर लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।